हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू हाइड ऐप इन रेडमी नोट 11i 5G। रेडमी नोट 11i 5G में हाइड ऐप कैसे करने हैं दोस्तों? अगर आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, जैसे कि पबजी को या फिर किसी डबल एप्लीकेशन को, व्हाट्सअप वगैरह को, तो आप कैसे छुपा पाएंगे इस फ़ोन में? सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्ट टाइम, लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है अपनी मोबाइल की सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर ऐप्स वाला ऑप्शन मिल जाता है, ऐप्स पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, यहाँ से आपको एप्लीकेशन हाइड करने के लिए पहले एप्लीकेशन को लॉक करना होगा, तो ऐप लॉक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक पैटर्न डाल रखा है, अगर आपने नहीं डाला है तो आप डाल लेना है। ऐप लॉक, अगर आपने अभी तक किसी भी एप्लीकेशन को यूज नहीं किया है ऐप लॉक को, तो आप दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, ऐप लॉक भी लगा सकते हैं। तो एप्लीकेशन के लॉक को मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ से इसे कैंसिल कर देते हैं, फिंगरप्रिंट अभी नहीं लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं फिंगरप्रिंट लगाना तो यहाँ से लगा सकते हैं। फिर यहाँ से आपको मिलता है हिडन ऐप, ये मैंने एप्लीकेशन लॉक कर रखे हैं अपने यूट्यूब गैलरी, मैसेज, कॉन्टैक्ट, ये सब एप्लीकेशन मैंने लॉक किए हुए हैं। बाकी अदर एप्लीकेशन को भी आप लॉक कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर हिडन ऐप पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट, स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपके ये एप्लीकेशन आ रहे हैं और इन्हें आप हाइड कर सकते हैं। तो अभी हम अमेज़ॉन को हाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट, गॉट इट कर देना है। और अमेज़ॉन के बाद एक नेटफ्लिक्स को हाइड कर लेते हैं। नेटफ्लिक्स हाइड कर दिया। अब यहाँ से आपको चले जाना है बैक, तो यहाँ से आपका जो है नेटफ्लिक्स यहाँ था वो हट चुका है। अब हाइड ऐप को आप कैसे यूज करेंगे, अनहाइड कैसे कर पाएंगे? सो इसके लिए आपको यहाँ पर टू फिंगर से पिंच आउट करना है। पिंच आउट जैसे करेंगे, आपने एप्लीकेशन के लॉक को जो डाला था वो यहाँ से डाल देना है, और यहाँ से आपके एप्लीकेशन दोनों हाइड एप्लीकेशन आ चुके हैं। सो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में हाइड ऐप और अनहाइड ऐप कर पाएंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।